हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास से जो हॉस्टल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आएगा कर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट रिलेटेड पोजिशन के बारे में डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरे चैनल को, तो आपको यहाँ पे डालना होगा दीपक बायोलॉजी क्लास है जॉब ट्रेलर। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि आपके हेल्पफुल रहते हैं, CSIR, JRF, ICMR, JRF, DBT, JRF KIIT या नीट की प्रिपरेशन में। तो आप अगर इन सब में से किसी भी कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जब हम देख रहे नोटिफिकेशन जो कि आया अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट पोजीशन। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि नेम ऑफ द पोस्ट साइंटिस्ट ए, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी, और साथ ही साथ इन्होंने जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट भी मैंसन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर बात करें साइंटिस्ट ए की, तो यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। साइंटिस्ट सी में 1 पोस्ट है जो कि जो है जनरल कैटेगरी की है, और जो साइंटिस्ट बी है उसमें 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी, 1 पोस्ट SC, 1 ST, 1 OBC, 2 EWS, तो टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की, तो और उसके स्केल ऑफ पे की, तो आपका जो साइंटिस्ट डी का पोस्ट है उसका आपको जो पे लेवल मिलेगा वो 13 मिलेगा। टोटल में वैकेंसी 1 है, नेचर ऑफ पोस्ट परमानेंट है। तो अगर बात करें यहाँ पे एजुकेशन अदर क्वालिफिकेशन की, तो आपका बायो एनर्जी में जो है आपका डिसिप्लिन मेंशन कर रखा हो, साथ ही यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। आपके पास 10 ईयर्स का R&D एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो PhD लाइक डिजायरेबल है वो PhD होनी चाहिए एनी ऑफ द अबव सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आपके पास PhD और पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे जो है आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे साइंटिस्ट सी में आपको लेवल 11 का पे ग्रेड दिया जाएगा। नेचर और पोस्ट परमानेंट है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड पेलियो बायोलॉजी फंगाई, तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री बॉटनी या माइक्रोलॉजी प्लांट साइंस या आपका प्लांट पैथोलॉजी या लाइफ साइंसेस में होना चाहिए, और यहाँ पे आपको 4 ईयर्स का R&D एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल जो है वो आपका PhD इन लाइफ साइंसेस है। वहीं अगर बात करें साइंटिस्ट बी की, तो ये भी जो है परमानेंट पोस्ट है। एजुकेशन एज अ क्वालिफिकेशन में आपका जो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और आपका PhD एनी ऑफ द अबव सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर पब्लिकेशन इन अच्छे लाइक इन जर्नल्स विद जिस इम्परफेक्ट रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आपका डिसिप्लिन है बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी में, जो दूसरी वैकेंसी है जो कि आपका MSc डिग्री बॉटनी या माइक्रोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में या लाइफ साइंसेज में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मल्टीपल डिसिप्लिन दे रखे हैं, तो आप जिस भी डिसिप्लिन में आप जो है आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो फुलफिल हो रही हो, तो आप उसके थ्रू जो है उसी में आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों ने मेंशन कर रखी है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आप एज लिमिट जो 35 ईयर्स है इन केस ऑफ साइंटिस्ट बी, 40 ईयर्स फॉर साइंटिस्ट सी एंड 45 ईयर्स फॉर साइंटिस्ट ई। तो ये सिर्फ सब सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे जो है भर सकते लाइक देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि अगर आप SC, ST, OBC, WC कैटेगरी में बिलोंग लाइक अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने मैंसन कर रखी है जो कि आप जो है अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा बात करें फॉर एप्लीकेशन का फी रिफंडेबल फी पेमेंट की, तो यहाँ पे आपको जो है लाइक एप्लीकेशन फी जो है वो 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC, ST या वुमेन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करना है। तो यहाँ पे जनरल और OBC के लिए जो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ मैंसन कर रखे हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और मैं आपको बताया था, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंसन होते हैं तो लास्ट डेट यहाँ पे एप्लीकेशन लाइक सबमिट करने की वो आपकी 13 दिसंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन डुली फिट एप्लीकेशन टुगेदर विद ऑल इनक्लोजर्स इज 13 दिसंबर 2021। ठीक है, तो ये लास्ट डेट मेंशन कर रखी है, इससे पहले जो है आपको यहाँ पे जो है इसके लिए अप्लाई कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेट मेंशन कर रखा है टू बी गिवन बाय द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। इसके अलावा यहाँ पे ये आपको जो है इसका प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन परफॉर्मा देखने को मिलेगा, तो आप जो है इस एप्लीकेशन परफॉर्मा को फिलअप करना है। इसके बाद आपको जी आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स वो सारा आपको अटैच करना है और सेंड कर देना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर आपको करनी कि यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। ठीक है, तो बाकी ये अच्छे से आप फॉर्म को लाइक एप्लीकेशन परफॉर्मा को अच्छे से फिलअप करिए, ताकि आपका यहाँ पे कोई भी जो है मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।